बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। मां बनी हैवान, अपने तीन बच्चों को नदी में डुबा डुबा के मार डाला, जिसे देख पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में प्रियंका नाम की महिला ने अपने तीन बच्चों को नदी में डुबा डुबा के मार डाला। बता दें कि प्रियंका के पति की 2 साल पहले करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रियंका अपने देवर के साथ पत्नी की तरह रह रही थी। प्रियंका के 4 बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है प्रियंका के बच्चे भूख के मारे बिलखते थे, जिस बात को लेकर प्रियंका के देवर की प्रियंका से लड़ाई हो गई, जिसके बाद गुस्से में आकर प्रियंका अपने 4 बच्चों को लेकर नदी किनारे पहुंच गई और 4 को नदी में डुबाने लगी, जिसमें प्रियंका के 3 बच्चों की मौत हो गई और उसका बड़ा बेटा माँ का ये रूप देख मौके से फरार हो गया और पूरा मामला गाँव वालों को बताया। गाँव वालों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मामले की छानबीन कर आरोपी मां प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जिन बच्चों की मौत हुई है उनकी उम्र और नाम है, आदित्य उम्र 6 साल, माधव उम्र 4 साल, मंगल उम्र 1.5 साल। सभी लोग खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस हैवान मां को सख्त से सख्त सजा मिले। सब मिले हैं, क्या है मामला? कुछ देर पहले अभी ये थाना फफूंद क्षेत्र में केशमपुर घाट पड़ता है, उस पर सूचना मिली कि 2 बच्चों की डेड बॉडी मिली है। लगभग उनकी उम्र 5-6 साल है। इसमें मौके पे सभी राजपत्रित अधिकारी, क्योंकि ये कोतवाली हो रही है और फफूंद का बॉर्डर पड़ता है, दोनों सीओ साहब और SHO मौके पर आए हैं। तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा और मिला, जिसने बताया इनकी माँ का नाम प्रियंका, वाइफ ऑफ स्वर्गीय अवनीश, ये अटा बरहुआ ये थाना फफूंद की रहने वाली है। ये आज सुबह अपने 4 बच्चों को यहाँ घाट पे लेके आई, कुछ इसको खिला के यहाँ पे पानी में डुबो के छोड़ के चली गई। अभी मौके पे 3 बच्चे मिले हैं, जिनमें से 2 मृत अवस्था में मिले हैं, उनके मुंह से कुछ झाग आ रहा है और एक बच्चा जो ठीक है उसने बताया कि मम्मी आज सुबह लेकर आई थी और मुझे भी डुबाया। और जो एक चौथा बच्चा है, जिसकी उम्र लगभग 1.5-2 साल है, वो अभी मिसिंग है। उसकी संभवतः उसकी मृत्यु हो गई, उसकी डेड बॉडी को ढूंढवाया जा रहा है गोताखोरों से। पूरे प्रकरण में महिला के पति की मृत्यु 1.5 साल पहले हो गई थी और ये अपने चचेरे देवर के साथ रह रही थी। किस घटना के कारण इन्होंने ऐसे किस कारण से ऐसी घटना कारित की है, उसके संबंध में अभी सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है। महिला को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। पूरे घटनाक्रम में कैसे घटना कारित की गई है, क्या हुआ है, उसके अनावरण के लिए टीम्स लगा दी है। और अभी बच्चों का जो 2 बॉडीज मिल गई हैं उनका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। मौके पे परिवार से बच्चों के नाना और कुछ और लोग आ गए हैं। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है।